हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और मैं आज क्या बना रही हूँ तो चलिए मैं आपको बताती हूँ। आज की रेसिपी मैंने कुकर को गर्म होने के लिए चढ़ा दी हूँ। और देखिए आज मैं बना रही हूँ ये कश्मीरी राजमा है, उसका मैं आज सब्जी बना रही हूँ। ये ले चुकी हूँ 250 ग्राम कश्मीरी राजमा है। और ये सारा बारीकी मसाला है। और ये प्याज है। और ये है गरम मसाला, खड़ा गरम मसाला, जीरा। और ये आपका फ़ोरन के लिए। तो मैं कैसे बनाती हूँ चलिए आप लोगों को बताती हूँ। चलिए तो सबसे पहले मैंने कुकर को चढ़ा दी हूँ गर्म होने के लिए। अब इसमें तेल डालूंगी। तेल अपने अंदाज से डालिए जितना आपको खाना है। मैं तो मतलब ना ज़्यादा डालती हूँ ना कम डालती हूँ, बस नॉर्मल यूज करती हूँ। अब तेल भी मेरा गर्म हो चुका है क्योंकि मैं कुकर पहले से चढ़ाई हुई थी। और भी ये जीरा है, दालचीनी है, लौंग है, और बस ये डालूंगी। हो चुका है। अब इसमें मैं 2 सूखी मिर्च तोड़ के डालूंगी। और ये तेज पत्ता है। ये डालने के बाद इसमें चलाऊंगी। और ये कटी हुई प्याज है, यह सब कम कर लेती हूँ। और ये डाल दूंगी। मैं रेड होने तक पकाऊंगी, तब तक इसे इसी तरह डालूंगी जब तक ये रेड होता है। और मैं 250 ग्राम ये जो कश्मीरी, ये मैं बार बार भूल जाती हूँ, कश्मीरी राजमा जो मैं ली थी 250 ग्राम, उसमें मैं 4 बड़े बड़े प्याज काटी हूँ। और तो आज मैं बना रही हूँ वही कश्मीरी राजमा। चावल मैं इसमें चढ़ा दी हूँ। अब इसमें तेल आ रहा है, इसको भी मैं थोड़ा चला देती हूँ। आज मैं कुकर में नहीं बना रही चावल, आज इसमें बना रही हूँ। बनाती हूँ। अब मैं देखती हूँ प्याज का कलर कैसा हुआ है। वाओ, कलर और ब्राउन हो चुका है। और चावल ही मेरा मैं उबाल आ रहा है। और ये जो मैं सारा मसाला है इसमें ऐड करूंगी, कम कर देंगे। मैं थोड़ा सा पानी डालूंगी मसाला को मिलाने के लिए। अब इसे 2 से 3 मिनट तक मैं इसे पकाऊंगी या भूंजूंगी, जो बोले। जब ये मसाला से तेल जब छोड़ने लगे उसके बाद मैं ये डालूंगी। मैं बहुत ही देसी स्टाइल में बनाती हूँ, प्लीज़ आप लोग मेरा सपोर्ट करिए। मैं आप लोग से बार बार कहती हूँ कि आप लोग के सपोर्ट से मेरा सब्सक्राइबर तो आप लोग मेरे बन गए हैं, पर मेरा वाचिंग टाइम पूरा नहीं हो रहा। प्लीज़ आप लोग अगर सपोर्ट करिएगा तो मेरा वाचिंग टाइम भी होने लगेगा। और मैं देखती हूँ 2 से 3 मिनट हो गया था और मसाला थोड़ा तेल छोड़ने लगा है। देखिए आप लोग को नज़दीक से मैं दिखाती हूँ। मसाला पूरी तरह तेज करने लगा है। तो इसमें मैं ये
रात में इसको भिगोने दी थी, सुबह में सारा पानी निकाल रही हूँ और इसमें फिर मैं ढक के 2 से 3 मिनट तक फिर इसको मैं भूंजूंगी। 2 से 3 मिनट हो चुका है, अब से फिर मैं हो गया ढक्कन खोलती हूँ, फिर मैं रखती हूँ। 2 से 3 मिनट भूनने के बाद मैं नज़दीक से निकाल के दिखाती हूँ। 2 से 3 मिनट भूनने के बाद इसका कलर कैसा हो गया है। अब थोड़ा तरह से तेल नहीं छोड़ा है इसलिए देखिए इसे भूजूंगी मैं। अब फिर मैं देखती हूँ ऊपर हाँ पूरी तरह से मसाला इसमें पकने लगा। अच्छी तरह से मिला लेती हूँ। इसमें मैं पानी डालूंगी। इसमें मैं देखिए इस जो है तसली इससे मैं इतना पानी डाली हूँ, ये ज्यादा पतला भी अच्छा नहीं लगता है। इसे मिला दी है, इसमें 3 से 4 सीटी लगाऊंगी। 3 से 4 सीटी लगाने के बाद हम लोग का कश्मीरी राजमा तैयार हो जाएगा। ये मेरा राजमा तैयार है, कश्मीरी राजमा। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना कैसा बना है। इसे मैं कटोरी में निकालती हूँ, और ये चावल बन गया है। तो आज का मेरा रेसिपी है कश्मीरी राजमा। आज के लिए बस इतना ही, मिलती हूँ अगले ब्लॉग में कुछ नई रेसिपी के साथ। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिए, प्लीज़ सपोर्ट करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।